हम बात करने वाले हैं फिनेंशियल इनसिक्योरिटी की वित्तीय असुरक्षा की क्योंकि हमारे इस सेशन का ही नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम समिट तो वित्तीय असुरक्षा क्या है जब मनी नाइन ने अपने पर्सनल फाइनेंस सर्वे को किया जिसमें हमने 35,000 फैमिली से बात की उसमें हमें यह पता चला कि ऑलमोस्ट सिक्सटी फाइव परसेंट फैमिलीज जो थी वो फाइनेंशियली वॉलबल थी विच मीन्स कि अगर उनके सामने कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है सो दे डेंट हैव एन हफ मनी उनको कर्ज लेना पड़ रहा था पाँच साल में ऑलमोस्ट सिक्सटी सेवन परसेंट फैमिलीज़ ने अपनी जो सेविंग की थी किसी ने शायद घर खरीदने के लिए बच्चों को पढ़ाई में भेजने के लिए जो भी छोटी मोटी सेविंग थी उसे तोड़ना पड़ा क्यों क्योंकि एमरजेंसी फंड नहीं था बीमा नहीं था सोचा ही नहीं मुझे क्या होने वाला है मुझे क्या बीमा की ज़रूरत है जीवन बीमा के बारे में अक्सर जब मैं लोगों से बात करती तो कहते यार हमारे मरने के बाद मिलेगा क्यों लें क्या फ़ायदा है इसमें तो कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है हेल्थ बीमा मैं तो बहुत हेल्थ हूँ मुझे क्या होने वाला है और ये सारे जो इग्नोरेंसेज हैं ना दैट हैज़ लेड टू फिनेंशियल इनसिक्योरिटी और इसको कैसे एड्रेस किया जाए इस पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हेमंत रुस्तगी सी ओ वाइस इन्वेस्ट हेमंत सर आपके साथ मैंने इतने सारे शोज किए हैं लेकिन इस सवाल का जवाब क्या आप मुझे दे सकते हैं कि भारतीय इतने फाइनेंशियली वालरेबल क्यों हैं और क्या किया जा सकता है कि वो फाइनेंशियली वॉलोबल नहीं हो क्योंकि मैं जितने लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ आप मेरे से डबल लोगों से इंटरेक्ट करते होंगे आई थिंक प्रियंका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और मैं कहूँगा कि हम सभी के अलग अलग कारण हो सकते हैं फाइनेंशियली इनसिक्योर फील करने के बट ब्रॉडली हम कब फाइनेंशियली इनसिक्योर फील करते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास एडिक्वेट पैसा नहीं है या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जिस सोसाइटी में हम रहते हैं हमको लगता है उसके मुकाबले में हमारे पास पैसा नहीं है आपके खुद के सर्वे में जो बात आई कि 65 परसेंट लोगों को लगता है कि हम फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं इसी कॉन्टेक्स में एक मैं रेफ़र करना चाहूँगा कुछ दो सर्वे जो यूएस में हुए पिछले साल जो फोर्ब्स एडवाइज़र और ब्रूमबर्ग वेल्थ ने किए वहाँ पे 75 परसेंट लोगों ने कहा कि हमें लगता है समवर्ट हम लोग के हमें डर लगता है कि हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि नहीं अब मैं जैसा मैंने कहा हमारे कारण अलग अलग हो सकते हैं उसमें जो टॉप टेन परसेंट टैक्स पेयर्स थे यूएस के वो भी थे उसमें मिलेनियर्स भी थे और उनको कारण पूछा कि आपको क्यों लगता है कि आप इनसिक्योर हैं उनको लगता है हमें लग, हमारे पास और पैसा होना चाहिए तो कारण अलग एट्टी परसेंट लोगों को लगा कि शायद हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम हाउस होल्ड के चैलेंजेस अगर कोई आए या इमरजेंसी आए तो उसको हम हैंडल कर पाएँ सिक्सटी परसेंट को लगा कि डेट का जो लेवल है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है आई थिंक वही चीज़ बेसिकली हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं फैक्टर्स कॉमन कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन होते हैं दो चीज़ें देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और इंटरनल फैक्टर्स हैं मैं इसको थोड़ा सा आ, बताता हूँ डिटेल में एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब क्या है वो फैक्टर्स यानी जो हमारे इकनॉमिक और जो हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं राइट बेसिकली इकनॉमिक उसमें क्या होता है जॉब लॉस का डर हो सकता है राइट हमारे इनकम लेवल्स वो कम हो सकते हैं हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो सकता है राइट जिससे हमें लगता है कि हमारे पास शायद पर्याप्त पैसा नहीं है वेल्थ की इनकवॉलिटी हो सकती है पर्सनल लेवल जो इंटरनल फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो पर्सनल लेवल पे है और वो रिलेटेड है हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस से हमारी लैक ऑफ सेविंग्स हम सेविंग नहीं करते हमारा प्रोसेस बिल्कुल ठीक नहीं है हम रिस्क मैनेजमेंट को जितना इम्पॉर्टेंस देना चाहिए वो नहीं देते हैं रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस हो हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस हो हमारे पास इमरजेंसी फंड हो आपके ही सर्वे में ये चीज़ बाहर आई कि 22 परसेंट लोगों को अपनी लाइफ टाइम सेविंग को ख़त्म करना पड़ा वो मेडिकल इमरजेंसी को टैकल करने के लिए दूसरा आई थिंक इंपॉर्टेंट रीज़न है जहाँ पे हमें लगता है कि लोगों को वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है और जो इनको लगता है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है और वो कारण है ओवर रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन राइट कि हमारा पैसा जो है बैंकों में रहे अभी भी हम देख रहे हैं बैंकों में रहे हमारा पैसा या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद लें या फिर स्मॉल सेविंग में रहें तो क्या होता है कि आप सेविंग भी कर रहे हो आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही तो आई थिंक ये कुछ कारण है और उसमें थोड़े बदलाव करने की ज़रूरत है थोड़े से संक्षेप में बता दूं कि जैसे मुझे लगता है हमारा जो ज़्यादातर लोगों का जो प्रोसेस है सेविंग करने का वो ये है कि पहले खर्चा करेंगे और फिर हम बचाएंगे तो या तो कुछ बचेगा नहीं राइट या फिर उतना नहीं होगा जितना हमें ज़रूरत है तो वो उसमें बदलाव की ज़रूरत करने की जरूरत है हमें कि हम करें कैसे वो कैसे होगा आप थोड़े डिसिप्लिन लेके आइए थोड़ा बजटिंग कीजिए आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो कम होंगे आप पहले सेव करेंगे फिर स्पेंड करेंगे वो जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट को जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए वो मिलना चाहिए वहां पे आपके पास लाइफ इंश्योरेंस हो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो वो एडिक्वेट भी हो और साथ ही सही प्रोडक्ट भी हो ऐसा नहीं कि आप दोनों को कंबाइन करके इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस को आपको लगता है कि सारा काम हो जाएगा वो नहीं होगा डायरेक्शन रिस्क को नहीं सोच रहे हैं कि मुझे क्या तो ही मैं हूं, मुझे क्या होने वाला है वो तो है ही जैसा मैंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है कि अगर लोग बचत कर भी रहे हैं तो सही तरीके से नहीं एक एक चीज ये हो रही है कि हमने देखा हमारी एस म्यूचुअल फंड की जो बुक है वो एटीन करोड़ हो गई और, और भी एनकरेजिंग चीज ये है कि वो अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री लोग उसमें पार्टिसिपेट हैं मुझे लगता है वो एक बहुत ही इंकरेजिंग स्टेप है जहाँ पे लोग इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हैं सही मायने में मुझे लगता है अभी समय आ गया कि इन्वेस्टर्स को ये समझना होगा कि खाली रिटर्न से काम नहीं चलेगा आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाना पड़ेगा और वो शायद आपकी जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है आपका जो प्लानिंग है एसेट एलोकेशन जो हम बात करते हैं उन चीज़ों पर ध्यान होगा तो डेफिनेटली हम देखेंगे आगे जाके ये डेफिनेटली चेंज होगा वो जो नंबर है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कम होगा Right, sir. Uh, Ms. Punam, I would like to ask you: a trend that has been continuing this year is a job loss. Being a salaried person, a job loss is a major crisis. Today, in terms of savings, what can a person do financially to protect themselves against such kind of unforeseen uh, future events? So, what you've asked me is uh, typically a question about emergency fund planning for emergency situation. Uh, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप uh, uh, है वो इमरजेंसी फंड्स का है एंड right. इमरजेंसी जैसे आपने कहा कैन बी ऑफ एनीथिंग। ना सिर्फ जॉब लॉस बट हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यू है सोशो इकोनॉमिक कुछ प्रॉब्लम्स uh, आई है नेचुरल कलामिटी हुई है और फैमिली uh, में कुछ केयर गिविंग की कुछ सिचुएशन uh, आ गई है कुछ कैजुअलिटी हो गई एनी थिंग कैन बी इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमरजेंसी सिचुएशन तो उसके लिए हमें तैयारी रखनी सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का uh, ये बिल्कुल उस तरह है ईमानी जैसे हम uh, कहेंगे कि हम गाड़ी में लंबी ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो क्या आप उस ट्रिप में एक स्पेयर टायर स्टेपनी के बिना जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते जहाँ आप एक सिंपल ट्रैवल की बात कर रहे हो जहाँ बहुत सारी मदद आपको मिल सकती वहाँ आप स्पेयर टायर यानी एक इमरजेंसी की तैयारी करें बिना नहीं निकलते तो वहाँ हम अपनी लंबी लाइफ की बिना इमरजेंसी फंड्स के तैयारी नहीं करनी चाहिए तो पहला स्टेप ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग होता है इमरजेंसी फ़ंड क्रिएशन अब वो कितना होना चाहिए और कैसे रखना चाहिए ये आ, दो अहम सवाल हैं तो जिसके लिए आ, हम हमेशा रेकमेंड करते हैं आ, पहले हम तीन से छः महीने की कहा करते थे फ़ंड्स आपके पास होने चाहिए और फंड्स वो हैं जो आप आ, हर महीने स्पेंड करते हैं टूवर्ड्स योर डेली एक्सपेंसेस या आपकी ईएमआई समझ लो या आपकी और कोई भी आ, हर महीने के जो खर्च होते हैं वै वैसे अब हम आफ्टर कोविड कहते हैं छः से नौ महीने तक का आपका ऐसा फ़ंड ऐसी जगह पार्क होना चाहिए जहाँ पे आप जब चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं और ऐसा करने से आप जो फिनेशियल सिक्योरिटी महसूस करेंगे वो एक अलग लेवल की है और उसमें जो आपने बताया 65% फाइव परसेंट ऑफ़ द पीपल स्टिल फील वनरेबल अबाउट द देयर फिनशियल एंड दिस थिंग्स तो उसमें आप ज़रूर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूड करें विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इमरजेंसी प्लानिंग और साथ में एक रिस्क कवर तो बहुत ज़रूरी है जैसे हेमंत सर ने भी अभी ब्रॉड कैटेगरीज में बताया तो ये सब मिला जुला के एक इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए आप तैयारी कर सकते हैं और जो फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग आपको अपने रिस्क का ख्याल रखना है कीर्तन वो कौन सा मिस्टेक है जो आपको लगता है कि हमें ही इनसिक्योर बनाता है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने बात कर ली कि सेविंग not in the right way. Secondly, not caring for your risks. You know, you overlook your risk. So, तो आपको क्या लगता है वो कौन सा mistake है जो आप point out करना चाहेंगे कि आप ये आपको ये करना चाहिए so that आप आगे जाके financially secure बन सकें. Uh, I think risk पे थोड़ा सा एक uh, अगर input दे सकता हूँ तो please क्या? Yeah. Uh, मुझे ऐसा लग रहा है unfortunately India में everybody talks about saving, nobody talks about risk. पर सेविंग इज वर्थलेस इफ़ यू नॉट टेकन केयर ऑफ योर एस कैन आई टेल यू वाई बिकॉज आई आई बिलीव दिस एंड आई कीप टॉकिंग अबाउट दिस क्वाइट रेगुलरली इट्स वेरी कॉमनली सेड इंडिया में नब्बे परसेंट लोग बैंकपसी से एक हॉस्पिटलाइजेशन हुए है आपको एक हॉस्पिटलाइजेशन हो गया बैंकप्ट हो जाओगे नब्बे परसेंट लोग इंडिया में आ जाए से पीपल आर गोइंग बिलो द पॉवर्टी बिकॉज सी हंड्रेड पर घर इन्वेस्टिंग अर्ली मान लीजिए एक पच्चीस साल का इंडिविजुअल है जो उसको पहली जॉब मिली उसने पांच हजार की एस आई पी स्टार्ट कर दी पांच साल में साठ महीनों में उसने पांच लाख ,00 रुपया इकट्ठा कर लिया रिटर्न के साथ एक हॉस्पिटलाइजेशन और उसको शायद पर्सनल लोन लेना पड़ेगा उसको भरने के लिए तो क्या आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ भी फायदा हुआ मेरे हिसाब से नहीं राइट right? तो आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट द वे आई लुक एट इट इज इन्वेस्टमेंट इज़ वर्थलेस अनलेस यू हैव योर रिस्क कवर्ड राइट हमें ऐसा लगता है पच्चीस साल की एज पर मुझे क्या होगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ मुझे क्या होगा इन टर्म्स ऑफ लाइफ बट उतना छोटा सा पैसा कंट्रीब्यूट करके फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट को आप रीप भी कर पाएंगे वरना इन्वेस्टमेंट आप रीप भी नहीं कर पाएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है आई विल कंकर विथ वॉट इवन बोथ ऑफ देम वर से रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दोगे तो इन्वेस्टमेंट करके कोई मतलब ही नहीं है तो काम से आपकी गाड़ी जो है वो रोड पे चलने के पहले ही ऑफ रोड हो जाएगी मोहित एक समस्या जो हम देखते हैं कि जो सबसे लोअर रंग है उनके लिए सरकार की बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जो उनकी मदद करती हैं आयुष्मान है भाई जो आपको मदद करता है प्रधानमंत्री बीमा योजना है प्रधानमंत्री दुर्घटना योजना भी एक है तो और जो सबसे ऊपर है वो अफोर्ड कर सकता है वो जाएंगे कीर्तन पूनम हेमंत या आपसे एडवाइस लेंगे हर्ष से एडवाइस लेंगे वो निवेश करेंगे वो पीएमएस में निवेश करेंगे सिप करेंगे जो भी उनकी पॉकेट अलाउ करेगी पर जो मिडिल है द मिडिल ऑफ द पिरामिड जो कि कमा रहा है जो यहाँ पर एक ऑडियंस ने भी ये कहा था जो कमा रहा है जो समझता है उसको ये सब करना चाहिए वो ये नहीं कर रहा है आपको नहीं लग रहा उसको थोड़ा एक्टिवेट करने की जरूरत है वो कमा रहे हैं पर प्रॉब्ली वो कहीं निवेश नहीं कर रहे हैं उनको क्या डर सताता है और आपको लगता है वहाँ पर असली निवेश अगर आ जाए तो हमारा देश ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर बनेगा जी आ, तो प्रियंका मुझे ऐसा लगता है कि एवरी जनरेशन हैज़ गॉन थ्रू इट्स ओन एक्सपीरियंसेस व्हेन दे ग्रो अप दे ग्रो अप विथ सर्टेन सोशल एटीट्यूड्स एंड फाइनेंशियल प्रेफरेंसेज तो अगर आप यूएस का एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पर uh, जो बेबी बूमर्स थे जो कि अभी आ रहे हैं वो फाइनेंशियली बहुत सेवी थे पर वो धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं उसके बाद की जो जनरेशन आई यू एस में दे वेंट थ्रू अ लॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स सो देयर एटीट्यूड ओवरऑल टूवर्ड्स फिनंसिस इज़ नॉट सो बोल्ड नॉट सो रिस्क टेकिंग सो परप्स एक बहुत बड़ा रिस्क जो वर्ल्ड वाइड दिखता है कि जब ये जनरेशन आगे आएगी और पुरानी जनरेशन जब रिटायरमेंट के पास जाएगी और अपने एक्विटी निवेश को कम करेगी तो क्या होगा वर्ल्ड ऑफ फिनेंस में क्या होगा राइट right? तो उसी तरह से भारत की जो जनरेशंस उभर कर आई है सब ने अपने अपने दौर देखे हैं और आप जिस दौर में पले बड़े होते हैं उसी हिसाब से आपका एक मानसिक साइकोलॉजी जो कहते हैं वो बन जाता है निवेश को लेकर भी तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही आप उस तरह के आ, आ, एजुकेशन को बूस्ट करें जहाँ पर आपको फिनेंशियल एजुकेशन फिनैंशियल इंपॉर्टेंस पर्सनल फिनेंस ये सब सिखाया जाए आज के स्कूल कॉलेज़ में और शायद मुझे पता नहीं है कि मैंने कभी भी वो कोर्स पढ़ा भी था या देखा भी था हमको कभी सिखाया नहीं गया अब शायद करियर चॉइस के कारण हमने ये सब सीखा है और पढ़ा है बट वो सिखाया नहीं जाता है तो ये जो मिडिल इनकम ग्रुप है प्रियंका इन्होंने इसे कभी देखा नहीं है समझा नहीं है तो इनके पास इतने ज़्यादा उपाय नहीं थे ये अभी बिकॉज मार्केट्स ऐसे हैं हम लोग सब बात करते हैं चर्चा करते हैं आप सुपर ऐप लेके आ रहे हैं आप टी पर आ रहे हैं ये सब बता रहे हैं तो ये लोग थोड़े से जागरूक हो रहे हैं और जान रहे हैं इनके लिए भी अगर आप देखें तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डेमोक्रेटाइज किया जा रहा है छोटे छोटे पीसेज में लाया जा रहा है आज आपका जो सिप था वो हजार रुपए से पांच सौ रुपए बात चल रही है ढाई सौ रुपये की और सौ रुपये पर भी अवेलेबल है राइट अगर आप ओवरऑल मार्केट को ख़रीदने जाएं तो आज एक लाख तीस हज़ार रुपये का निफ्टी आता है पूरा पर आप उसे हज़ार रुपये में भी खरीद सकते हैं ये शायद आज के मिडिल इनकम ग्रुप को पता नहीं है उन्हें लगता है कि अभी भी बहुत रिस्क है बहुत पैसे की ज़रूरत है बहुत समझदारी चाहिए बहुत एजुकेशन चाहिए मुझे निवेश के लिए और ऐसा नहीं है तो इन सब मिथ्स को बस्ट करने के लिए

सो वाइल वन विल गिव यू कैपिटल प्रोटेक्शन दी अदर विल गिव यू कैपिटल ग्रोथ ओके सो यू हैव टू तो आपका कैपिटल सेफ भी रहे प्रिजर्वेशन uh, मोड में भी रहे और ग्रोथ भी करे अब एक इन्वेस्टर को ये डिजाइन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है सो so, पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है लाइक फॉर एग्जांपल हमने इमरजेंसी फंड की बात की पूनम स्पोकन अबाउट इमरजेंसी फंड आप अगर इमरजेंसी फंड बना रहे हो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है लिक्विडिटी उसमें आप रिटर्न आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है रिटर्न साथ में मिलेगा दैट इज़ फाइन बट आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जब आप इमरजेंसी फंड कहते हैं उसका मतलब क्या होता है कि जब मुझे पैसे चाहिए मेरे कैपिटल पे कोई लॉस नहीं हो और मैं निकाल सकूं तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था लिक्विडिटी यही चीज़ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है और रियल रिटर्न्स हमें कमाने विच मीन्स हमें रियली really, हमें ग्रोथ देखनी है पोस्ट टैक्स पोस्ट इन्फ्लेशन ये सब में हमें रियल रिटर्न्स मिलने चाहिए तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ ग्रोथ लिक्विडिटी नहीं भी मिले तो चलेगा यू अंडरस्टैंड सो हमारी एज एन इंडिविजुअल अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं तो आप एक प्रोडक्ट में कैसे वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे सो so, जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें अंडरस्टैंड करें और फिर इंप्लीमेंट करें तो आपको अलग अलग एसेट क्लासेस ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगी सो लिक्विडिटी फॉर शॉर्ट टर्म एंड ग्रोथ फॉर लॉन्ग टर्म और लिक्विडिटी जब आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है तो आप रिटर्न पे इतना फोकस ना रखें रिटर्न आने चाहिए लेकिन क्या रिटर्न ही मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा नहीं सो so, ये प्रिंसिपल जब आप अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन में अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में जोड़ना ही पड़ेगा आप चाहें ना चाहें अब प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हमें इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है जब हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं हमारे नेबर ने मार्केट में बहुत पैसे कमा लिए तो मुझे वो ही करना है हमने ये सोचा ही नहीं हमें एक्चुअली प्लानिंग स्टेज पे क्या करना है सो आई थिंक आंसर या क्वेश्चन वन लाइन आपकी ज़रूरतें अलग हैं हर प्रोडक्ट अलग तरीके से बिहेव करता है तो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को तो चूज़ करें सो एसेट एलोकेशन अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा राइट right. yes. क्योंकि मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग और हिमालय की फाइनेंशियल प्लानिंग और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होगी और हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसे करना चाहिए समय कम है और मैं इसीलिए अब इस सेशन को रैप करूँ उससे पहले मैं चाहूँगी कि एक एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का रोल क्या होता है कि वो मेरी कमाई मेरी बचत और मेरे फ्यूचर गोल्स के बीच में एक जुगलबंदी ला सके अब मैं आप लोगों को गाने के लिए तो नहीं कहूँगी लेकिन उस जुगलबंदी का एक एक मंत्र मैं आप लोगों से लूँगी क्योंकि हमारा टाइमर देखिए टिक टिक कर रहा है तो मेरे पास उतना ही समय है सो मैं हेमंत सर आपसे शुरू करती हूँ वो जुगलबंदी का आपका क्या मंत्र होता है किसी को समझाने के लिए भाई तुम्हारी कमाई तुम्हारी बचत तुम्हारा निवेश और तुम्हारा भविष्य इन सब का जुगलबंदी कैसे आप लाते हैं मुझे लगता है वो जुगलबंदी ऐसे होती है कि एज एज एन एडवाइजर आप उनकी जरूरत को समझने की कोशिश करते हो आप उनको सोल्यूशन बताते हो पर मुझे लगता है फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस part, इस जो प्रोसेस है उसके अंदर बहुत ही एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करो क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं समझता कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है शायद आपको इनिशियली इतनी नॉलेज ना हो कि आप समझें बट धीरे धीरे आप एक बेटर इन्वेस्टर बनेंगे एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनेंगे और आप देखेंगे कि आप जो डिसीजन ले जा रहे हैं

प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानिंग प्लानर के साथ चलना चाहिए और उसके साथ हैंड होल्डिंग करनी चाहिए विद पेशेंस तो मुझे लगता है पेशेंस इज़ अ की फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड अचीविंग योर गोल्स विद अ प्रॉपर गाइडेंस बट दैट्स डिफिकल्ट कीर्तन अब तो सब डी हो रहा है आप इतने सारे वीडियोस बना रहे हो आपके साथ साथ इतने सारे यूट्यूबर हैं लाखों उनके फॉलोअर्स हैं वो वीडियो बना के बता रहे हैं मुझे ऐसे करो निवेश किसी के पास मत जाओ और यहाँ पूनम मैम और हेमंत सर कह रहे हैं कि आपको एक एडवाइजर अच्छा चाहिए आई थिंक uh, दो पार्ट्स में इसका आंसर देना चाहूँगा पहले तो uh, इसका रीज़न है कि आप इसे पर्सनल फाइनेंस कहते हैं तो मेरी वीडियो देखकर उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि वो किसी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ वेरी पर्सनल टू ईच वन ऑफ यू एंड दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रिस्क इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में अंडर इन्वेस्टमेंट उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है आज अगर आप आज अगर कोई एक इंडिविजुअल पांच हजार रुपए की एस आई पी कर रहा है वो एक्चुअली बीस हजार रुपए की कर सकता है पर उसको पता ही नहीं है कि उसे बीस हजार की करनी है या करनी चाहिए तो आई थिंक हैंड होल्डिंग में मेकिंग श्योर कि आप ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करा पा रहे हो इन्वेस्टर से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज एज अ प्रोफेशनल ओके सो डोंट अंडर इन्वेस्ट मोहित आपका जुगल मदनी का मंत्र क्या है प्रियंका टाइमलेस क्लासिक है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू अगर हम लोग सब अपने अपने जीवन में इसे फॉलो कर लेंगे तो कभी किसी को दिक्कत नहीं आएगी एवरी वन तो पूरा बैलेंस बनाने की जिम्मेदारी हम पर है हर्ष आपका मंत्र क्या होता है आप क्या कहते हो कैसे कमाओ कैसे बचाओ कैसे निवेश करो सो प्रियंका की स्पीकर की जो लाइन थी ट्रूथ क्रिएट वेल्थ तो दैट इज़ एक्चुअली राइट आई टेल यू वाई बिकॉज एक इन्वेस्टर को यह समझना है कि मुझे कितना आता है मोस्ट ऑफ़ द इन्वेस्टर्स आई थिंक ओवर एस्टिमेट देयर ओन अबिलिटी टू इन्वेस्ट क्वाइट ऑनेस्टली सो हर एक इंसान की यू नो स्पेशलाइजेशन होती है एक्सपर्टीज होती है अर्जुन से बेटर कोई वॉरियर महाभारत में था नहीं शायद बट ही ऑल्सो है कृष्णा टू गाइड हिम ओके सो मुझे कुछ आता है इसका मतलब नहीं कि मुझे इन्वेस्टमेंट uh, करना भी आता है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपने आप से ट्रूथफुली पूछिए कि क्या मुझे इस फील्ड की एक्सपर्टीज़ है अगर नहीं है लाइक like, मुझे बहुत सारी चीज़ों की एक्सपर्टीज़ नहीं है मैं उसकी सर्विसेज किसी और से लेता हूँ सो यस आपको प्रोफेशनल हेल्प लेंगे आप सही तरीके से कर पाएंगे मुझे कोई चीज़ की जो मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है मैं किसी और से हेल्प लेता हूँ अमन्ना भाई मूवी में एक एग्जाम्पल और था जब बोमेन नारायण ने कहा था मुझे मेरी डॉटर का जब ऑपरेशन करना रहेगा मेरे हाथ काँपते हैं राइट right? और यहाँ पे डी जो आपने कहा सभी अपने आप हाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं सब बायस्ड हैं सो यू कैन नॉट टेक द राइट डिसीजन सो इट इज देयर इन राइटिंग लेकिन अगर आपको खर्चे बचाने हर चीज में द बिगर प्राइस पोर्टफोलियो वैल्यूएशन कि हमें जो सिर्फ करना वो ये करना है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट राइट right? वही पैसा आपका है तो इनकम से पहले इन्वेस्टमेंट हटाइए फिर वो पैसा और पैसों से सच बोलिए हमारे कीनो स्पीकर ने भी कहा और हमारे पैनल भी से अग्री करें थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूबल यू नो इन साइट टू पर्सनल फाइनेंस इट वॉज रियली लवली टॉकिंग टू यू थैंक यू सो मच एट प्लीज वेट ओवर टू गौरव थैंक यू प्रियंका थैंक यू माली एक बार जोरदार आ हमारे पैनल के लिए सभी एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद और अब मैं मनी नाइन के कार्यकारी संपादक शुभम शंखधर से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे पैनल के सभी एक्सपर्ट्स को सम्मानित करें प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।